नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज इस वीडियो में जानेंगे सीसीएसवी वाल्व जो है यहाँ से जो बॉडी में जाता है तो इस पाइप में होल हो गया है, फट गया है पाइप, तो इस पाइप को हम चेंज करेंगे। तो देख सकते हैं कि यहाँ जो पाइप है, यहाँ दो पाइप जा रहा है, तो ये जो सीसीएसवी से आ रहा है वाल्व जो बॉडी में जाता है, ओवर ऑयल वाला होता है, तो ये आपस में टच होके एक अंदर होल हो गया है, फूट गया है। तो ये आपस में चिपका हुआ था, पता नहीं लगा, धीरे धीरे करके ये इसमें कट गया है और होल हो गया है। तो ऑयल लीक कर रहा है, साथ में जब बंद होता है तो ऑयल गिर जाता है और गैस आने लगता है। तो इसको हम यहाँ से चेंज करेंगे, यहाँ से चेंज करेंगे। तो इस तरह का पाइप नहीं मिलेगा क्योंकि ये क्लस्कर के साथ में आता है। तो इसके लिए यहाँ देख सकते हैं कि इस तरह का पाइप मिलता है मार्केट में, तो ये इस तरह का रोल मिलता है, तो इस तरह का पाइप हम लगाएंगे। और इसमें जो इसका जो बूस्ट लगता है, जो पैकिंग होता है, तो इसमें थोड़ा मोटा आता है, ये पाइप उससे थोड़ा मोटा आता है। देख सकते हैं कि ये जो पाइप है ये एक साइज का है, यहाँ देख सकते हैं कि ये खरीद कर लगाया हुआ है, ठीक है। और ये जो पाइप है ये थोड़ा ये पतला पाइप होता है, ये पाइप पतला होता है, क्लस्कर के साथ में जो आता है, मशीन के साथ में आता है, ये पतला होता है। तो इस तरह का पाइप मार्केट मिलता है, जिसमें कंप्रेसर का जो पार्ट्स मिलता है उस दुकान में ये मिलेगा। तो यहाँ ये लाया गया है और इसमें हम दिखाएंगे किस तरह ये बूस्ट लगाना है। अधिकतर लोगों को पता होगा, कई लोगों को पता भी नहीं होगा, तो आज हम इसके बारे में बताने जा रहे हैं और इसको चेंज करेंगे। तो सबसे पहले कंप्रेसर का जो बॉडी है, बॉडी का प्रेशर निकाल लेंगे। तो इसके लिए जो सेक्शन है जब कंप्रेसर चालू करेंगे और सेक्शन बंद कर देंगे तो कंप्रेसर का जो बॉडी है ये ऑटोमेटिक वैक्यूम हो जाएगा, थोड़ा सा प्रेशर बचेगा, उसके बाद ये डिस्चार्ज बंद कर देंगे, बाकी सब बंद रहेगा और सेक्शन भी बंद कर देंगे, बंद रहेगा। तो ये वैक्यूम होने के बाद थोड़ा सा जो प्रेशर बचेगा, यहाँ हेड में प्रेशर बचता है, यहाँ पर इसमें प्रेशर बचता है और हेड के ऊपर जो प्रेशर होता है इसी लाइन में बचता है, नीचे वैक्यूम हो चुका होता है। तो इसमें जो प्रेशर होगा ये लास्ट में निकालेंगे। तो सबसे पहले कंप्रेसर चलाकर इसके बॉडी को वैक्यूम कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हैं कि कंप्रेसर चलाकर इसको इसके बॉडी जो है वैक्यूम कर चुके हैं। यहाँ देखते हैं कि ये जो सेक्शन प्रेशर है तो यहाँ जीरो आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ से पाइप लगाकर देख सकते हैं डिस्चार्ज से निकला हुआ है कि ड्रेन दिया हुआ है वाल्व, तो यहाँ से पाइप लगाकर बाहर हमने निकाल दिया है। अब ये जीरो हो चुका है, इसके क्रैंक केस जो है ये बिल्कुल ही खाली हो चुका है। अब इसे हम खोल लेंगे, ठीक है, यहाँ से, और इसमें बॉडी में जो आ रहा है, यहाँ जो आ रहा है देख सकते हैं ये वाला है, तो इसे हम खोल लेंगे, यहाँ से और यहाँ से खोल लेंगे, खोल कर इसे चेंज करते हैं। चलिए खोल लेते हैं दोस्तों। अधिकतर लोग मेरे वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, कृपया वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने का पैसा नहीं लगता है दोस्तों, सब्सक्राइब जरूरी है क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूँगा आपको उसका नोटिफिकेशन चला जाएगा और आपको वीडियो समय पर मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल जो आइकन है ऑल वाला पर क्लिक कर दें ताकि आपको सभी तरह के वीडियो मिले, क्योंकि मैं रेफ्रिजरेशन सिस्टम से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता हूं, तो आपको ऑल पर करना होगा जो बेल आइकन है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर ये होल हो चुका है, ठीक है, यहाँ से ऑयल निकल रहा है, तो यहाँ होल हो चुका है। तो जब तक इसमें ऑयल रहता है इस पाइप में तब तक ऑयल निकलता है और ऑयल ख़त्म होने के बाद गैस निकलने लगता है, तो ये तो होगा ही। तो चलिए इसे हम चेंज करते हैं। सबसे पहले ये जो नट है उसको निकाल लेंगे दोस्तों। ये माप कर और एक पीस काट लिया है इसमें से, देख सकते हैं ये इसमें का टुकड़ा है, तो यहाँ ये लग गया है, ठीक है, इधर भी हम लगा देते हैं। फिर इसका जो बूश है पैकिंग वाला ये लगाते हैं, यहाँ देख सकते हैं कि ये नया इसका बूश है। देख सकते हैं दोस्तों कि पाइप में, नए पाइप में ये जो बूश है
और ये नट है, दोनों चढ़ा दिया है। इसी तरह इधर भी चढ़ा दिया है, देख सकते हैं। ठीक है, अब इसे टाइट करेंगे। तो चलिए टाइट करते हैं इसे। तो दोस्तों देख सकते हैं कि उसके हिसाब से मैंने मोड़ लिया है। मोड़ कर यहाँ इसमें लगा लेते हैं। ठीक है, यहाँ इस तरह इसमें हम लगा लेते हैं। पहले ऊपर लगा लेते हैं, उसके बाद नीचे यहाँ पर इस तरह हम लगा लेते हैं। अब इसे हम टाइट कर लेते हैं। टाइट हो गया, नीचे वाला भी टाइट कर लेते हैं। यहाँ पर टाइट हो गया दोस्तों, अच्छी तरह दोस्तों टाइट हो गया। अब दोस्तों इसे हम चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों हम कंप्रेसर को चालू कर रहे हैं। प्रेशर मैंने दे दिया, देख सकते हैं कि इसमें प्रेशर है, प्रेशर मैंने दिया है। अब इसको चालू करेंगे, जब ऑयल प्रेशर होगा तो वैसे तो बॉडी का प्रेशर इसमें आ गया है तो लीकेज नहीं कर रहा, और यहाँ भी नहीं लीकेज, यहाँ भी लीकेज नहीं कर रहा है। तो वैसे तो लीकेज नहीं कर रहा, फिर भी हम कंप्रेसर को चलाकर देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। दोस्तों कंप्रेसर स्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों कंप्रेसर लोड में आ चुका है और देख सकते हैं कि इसमें से लीकेज नहीं कर रहा, और ऑयल प्रेशर लगभग 50 के आसपास है, देखते हैं 50 है, ऑयल प्रेशर 50 है, तो यहाँ भी लीकेज नहीं कर रहा देखते हैं, और यहाँ भी नहीं कर रहा। ठीक है, तो सभी पिस्टन जो है लोड में है। तो इस तरह दोस्तों बड़ी आसानी से इस पाइप को चेंज कर सकते हैं और इसे ठीक कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।